तो फाइनली गाइस न्यू ईयर पे आपको यमहा ने दे दिया है एक न्यू अपडेट जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। यमहा ने लॉन्च कर दिया अपनी न्यू FZS V3 का 2022 मॉडल, जिसमें दोस्तों कंपनी ने इस बाइक को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक है FZS स्टैंडर्ड मॉडल और एक है FZS का ड्यूलेक्स मॉडल। इन दोनों वेरिएंट में आपको थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं। दोनों वेरिएंट में आपको कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है, बट थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के नए नए कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज यमहा की FZS V3 का जो 2022 मॉडल है, इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड और ड्यूलेक्स। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता। स्टैंडर्ड मॉडल में बेसिकली आपको जो है वही सेम इंजन के साथ बाइक देखने को मिलती है। 149cc का इंजन आता है आपको, एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड, जिसमें आपको जो है 12.4 PS की पावर एंड 13.3 Nm का ही टॉर्क मिलने वाला है विद 5-speed ट्रांसमिशन। इसके अलावा बाइक में जो है आपको न्यू LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। पहले आपको जो है ओल्ड मॉडल में हैलोजन वाली टेल लाइट मिलती थी, जिसमें जो है अब आपको न्यू LED टेल लाइट मिलेगी इसके स्टैंडर्ड मॉडल में। और साथ ही आपको इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पहले भी मिलती थी, आपको सेम वैसे ही मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें सेम मिलती हैं और कोई खास चेंज नहीं मिलता इसके स्टैंडर्ड वेरियंट में। और बाकी अगर हम बात करें इस वेरियंट के प्राइस की, यानी कि इसके स्टैंडर्ड मॉडल की, तो उसका गाइस प्राइस है 1,15,900 एक्शोरूम दिल्ली, यानी कि 1,15,900 रुपये इसका जो है दिल्ली एक्शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करूँ इसके ड्यूलेक्स मॉडल की, तो गाइस उसमें भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं है, उसमें आपको थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कि LED टेल लाइट तो आपको उस वाले मॉडल में भी देखने को मिलेगी, बट साथ ही आपको जो है इसके ड्यूलेक्स मॉडल में LED इंडिकेटर्स भी मिलेंगे, जो कि यामाहा के ही ओरिजिनल LED फ्लैशर्स हैं। तो ड्यूलक्स मॉडल में वो आपको लगे लगाए मिलेंगे, आपको उसके लिए अलग से कोई पैसा पे नहीं करना, वो उसी में इंक्लूड है। इसके अलावा आपको ड्यूलक्स मॉडल में जो है न्यू कलर स्कीम देखने को मिलेगी, जिसमें जो है आपको कलर्ड अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, न्यू जो ग्राफिक्स है थोड़े वो देखने को मिलेंगे, डुअल टोन आपको सीट उसमें मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ आएगी। इसके अलावा आपको इसके ड्यूलेक्स मॉडल में भी जो है यमहा का वाई कनेक्ट ऐप भी मिलेगा, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको वही मिलेगी, जिसमें आपको कॉल एंड SMS अलर्ट नेविगेशन वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा। उस बाइक में भी आपको इंजन सेम मिलता है, दोनों वेरिएंट में इंजन आपको एकदम सेम मिलेगा, हर चीज़ आपको बाकी एकदम सेम मिलेगी। डायमेंशन हो गया या फिर सस्पेंशन कह लो, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, रियर में मोनोशॉक, टायर वगैरह दोनों वेरिएंट्स में जो है आपको डुअल डिस्क वाला वेरिएंट मिलेगा और सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आएगी। तो गाइस और कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। और बात करो अगर इसके ड्यूलेक्स मॉडल के प्राइस की, तो उसका जो एक्शन प्राइस है गाइस वो है 1,18,900, यानी कि 1,18,900 रुपये दिल्ली एक्शन उस बाइक का भी प्राइस रखा गया है। तो दोनों वेरिएंट जो है 2022 में लॉन्च कर दिए गए हैं कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ। आपको इस बाइक के चेंज कैसे लगे वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आपको इसका कौन सा मॉडल पसंद आया, स्टैंडर्ड या ड्यूलेक्स, वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक अच्छा सा थम्स अप दे देना, एंड आगे की इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।